हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड विथ मी योर सोशल साइंस टीचर. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी वुड लाइक टू स्टार्ट आवर चैप्टर 14, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट्स, सो वी वॉन्ट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स बिगन. चैप्टर 14 इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी. Our country is a country of diversity. It has a unique identity, having diversity in religion, language, caste and economic equality. So students, हमारी जो country वो country diversity है, जिसमें अलग अलग type के caste, अलग अलग type के religion, language और economically भी सब different different लोग साथ में रहते हैं students. Apart from food, festive custom rituals and attire variation is also seen in social life. Let us see what can do for unity and equality in our country. The diversity in which is seen Indians is rarely seen in other countries of the world. India has become a subcontinent due to this diversity. In our country, diversity is seen in the color, complexion, attire, religion, language, food, etc. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. So students, actually देखें तो food, festival, costumes, rituals, ये सारे के सारे बहुत सारे variations हैं हमारे India में, right? अलग अलग type के लोग साथ में रहते हैं और सब में unity भी है और equality भी है, सब एक समान है. हमारे इंडियंस बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में भी है पूरे दुनिया में स्टूडेंट्स, और वो लोग अपने इंडियंस होने का प्रमाण इंडियंस है. इतने सारे इंडियंस अलग अलग वर्ल्ड में स्टे है. एंड डाइवर्सिटी, हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्शन. हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन के थ्रू भी पता चलता है, जो कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से पता चलता है, रिलीजन के हिसाब से, लैंग्वेज, फूड, ये सब के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे लोग और रिलीजन्स के थ्रू भी सब इक्वल है. जैसे देखिए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सबके सब रिलीजन, सबके सब लोग सब साथ में रहते हैं स्टूडेंट्स, राइट? दैट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन इज स्टेइंग टुगेदर. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलीजन. People having faith in different religion live in our country. People following various religions like Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Zoroastrianism and Jainism live together harmoniously in spite of religious diversity. All the religions are given equal importance in our country with good intention that all can practice or follow their religion equally. So students, religion, हमारे country में अलग अलग type के religion साथ में रहते हैं. कोई लोग हिंदू को मानते, हिंदुइज़म मानते, कोई इस्लाम को मानते, कोई क्रिश्चैनिटी को मानते, कोई सिखिज़म, बुद्धिज़म और ज़ोरास्ट्रियनिज़म को भी और ज़ैसियम को भी मानते हैं. पर अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, पर तब भी सबके सब साथ रहते हैं. दे ऑल आर लिव टुगेदर एंड दे आर हैविंग फेथ विथ ईच अदर रिलीजन्स ऑल्सो. सो ऑल द रीजन्स आर इक्वल. हर एक पोजीशन में, हर एक सिचुएशन में सारे के सारे रिलीजन्स इक्वल है हमारे कंट्री में, और बहुत अच्छे से एक साथ मिलजुल के रहते हैं और कभी भी भेदभाव ये चीज़ का नहीं होता है. इसलिए तो इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द कल्चर. कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ वाइडली सीन इन आवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंसेज इन रिलीजन एंड लैंग्वेज. कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ईजली बी सीन इन वेरियस रीजन्स ऑफ स्टेट्स. People living in different parts of the country celebrate festivals like Diwali, Holi, Uttarayan, Dashera, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, Ashadi Dooj,
मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओनम, पतेती, बैशाखी एक्सेट्रा टुगेदर. सो स्टूडेंट्स, कल्चर में हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कल्चर्स है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, बट रिलीजन और लैंग्वेज सबके डिफरेंट डिफरेंट है, पर तब भी वो सारे के सारे फेस्टिवल्स सारे के सारे स्टेट्स में एक साथ मनाते हैं. जैसे कि आप सोच लो दिवाली, होली, उत्तरायण, मोहर्रम, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब चीज़ें सारे के सारे लोग एक साथ मनाते हैं और वो सारे फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं साथ में. एंड दैट्स व्हाई आवर कंट्री इज़ हैविंग अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, बिकॉज सब अलग अलग रिलीजन के हैं पर तब भी सबके सब साथ में इंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, now we will see the latter part. Along with diversity, there are also many variations in people, food, attire, residence, costumes and traditions, etc. India has become a country with diversity because of geographical factors like climate, topography, forest and etc. सो स्टूडेंट्स, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ में बहुत सारे पीपल के वेरिएशंस होते हैं फूड के, मतलब कपड़ों में, खाना जो खाते हैं उसमें, रहन सहन में, कॉस्ट्यूम्स में और ट्रेडिशंस में, ऐसे बहुत सारे टाइप के वेराइटीज़ होते हैं, पर तब भी इंडिया इज़ बिकम अ कंट्री विथ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी कंट्री है हमारा इंडिया, जिसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Indian culture is one of the ancient culture of the world. People of our country differ from one another in many ways, such as attire, food, residence, religion, language, costume, festival, etc. Yet there is emotional unity. Unity in diversity is a unique feature of our country. People of different religions, languages and caste, color and honor their country. They have a feeling of sacrifice, cooperation for their nation. It is called national unity. Development in the economic, social, industrial field occurs because of natural unity. People maintain peace, secure and prosperity in spite of the diversities. That's why Dr. Radhakrishnan stated that if we want to survive as a nation, we must accept need of national unity. During the freedom movement, our countrymen made the vision of unity possible through the feeling of patriotism and sacrifice. Unity in diversity is the special features of our country. So students, we were talking about unity in diversity. So हमारा जो Indian culture है, ये सबसे ancient, एकदम पुराना culture है पूरे दुनिया में. और वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनको पता चलता था कि वो लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग फूड खाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, रहन सहन सबका अलग है, लैंग्वेज अलग है, कस्टम अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, बट तब भी सबके सब लोग साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, और यही चीज़ हमारे इंडिया कंट्री के लिए एकदम यूनिक है और यही चीज़ सबसे डिफरेंट बनाते हैं हमारे कंट्री को स्टूडेंट्स. People of different religions, अलग अलग religions के लोग जो अलग language बोलते हैं, caste अलग होता है, love and honor भी उस country को अलग तरीके से देते हैं, but तब भी वो country के लिए भी वो लोग अपने आप को sacrifice भी कर सकते हैं. Unique, और ये चीज़ के लिए इसलिए उसको बोलते हैं national unity, क्योंकि national unity ही यही चीज़ है जो easily अपने कंट्री के लिए बलिदान करने वाला जो चीज़ है वो एक सिटीज़न, जो इंडियन के सिटीजन्स होते हैं वही कर सकते हैं, इसलिए उसको नेशनल यूनिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स. डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड, मतलब इकोनॉमिकली पैसों की तरफ से जो भी डेवलपमेंट होता है कंट्री के थ्रू उसे नेशनल यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होगा कंट्री में वो सारे सिटीजन्स ही करेंगे ना,
मेरे से आपसे आप लोग से ही होगा ना वो चेंजेस और डेवलपमेंट जो करेंगे. इसलिए पीपल शांतिपूर्वक सिक्योरिटी, पीपल के शांत लोग, शांति से रहे लोग, उनकी सिक्योरिटी और उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो, ये सब चीज़ें डाइवर्सिटीज़ में फॉर्म होता है. तो स्टूडेंट्स, जब डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बात बताई थी कि इफ़ वी वांटेड टू सर्वाइव एज अ नेशन, एक नेशन की तरह हमें सर्वाइव करना होगा, तो हमें सबकी सब नेशनल यूनिटी, सब साथ में रहेंगे, वो चीज़ का एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इसलिए जब फ्रीडम हो रहा था और जब वो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तब सारे के सारे कंट्रीमैन को ये विजन दिखाया गया था कि आगे जाके हम लोग सारे अलग अलग रिलीजन्स के क्यों ना हो, बट हम सबको साथ में रहना है. और इससे हमें कुछ भी हमारे कंट्री के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पेट्रोटिज़म होगा, तो हम वो चीज़ करने में पीछे नहीं हटेंगे. एंड इसके लिए ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री. यही एक रीज़न है कि हमारे कंट्री में ये जो स्पेशल फीचर्स, यूनिटी मतलब सारे के सारे रिलीजन्स अलग अलग है पर तब भी साथ में है, वो चीज़ हमारे कंट्री को स्पेशल बनाता है और हम लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पेज. डिफरेंट कास्ट, रिलीजन्स, कस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया. सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ वेराइटी इन कल्चर. इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधवा कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली. India is true sense spread the feeling of religious tolerance and equality in the world. India is a secular country. Unity in diversity is a unique feature of Indian cultures. In our country, we see combination of various religions, caste, languages and festivals. People of India live a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unity in diversity. तो स्टूडेंट्स, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन्स के, लैंग्वेजेस के सब इंडिया में साथ में रहते हैं, तो इसलिए इंडिया को डाइवर्स कल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ होते हैं कल्चर के रिलेटेड. और इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, वसुधवा कुटुंबकम, मतलब इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है. इसलिए इंडिया ट्रू एक अच्छी फीलिंग पैट्रियटिज्म की, एक रिलीजियस इम्पैक्ट की एक फीलिंग दिखाता है कि पूरी दुनिया एक साथ ईजिली रह सकती है. एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर, ये एक बहुत यूनिक फीचर है हमारे कंट्रीज़ में कि सारे के सारे रिलीजियंस, कास्ट, लैंग्वेज सब के सब साथ में रहते हैं और उनकी लाइफ एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है. इसलिए इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल सी एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी. वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री में बहुत बहुत अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटीज़ दिखने को आए हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन भी शो करता है कि अलग अलग डाइवर्सिटीज़ होती है, जैसे कि रिच और पुअर, मेल और फीमेल, लिटरेट और इलिटरेट. लिटरेट और इलिटरेट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग और नहीं पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग. अर्बन और रूरल, मतलब कोई विलेज में रह रहा है और कोई सिटीज़ में रह रहे हैं. और कास्ट, सबसे मेन अलग अलग टाइप के कास्ट भी होते हैं हमारे कंट्री में. तो पुराने टाइम में क्या होता था कि उनके सारे स्ट्रक्चर्स या रहन सहन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, कोई सोशली डिवाइडेड था, कोई इकोनॉमिकली डिवाइडेड था, बट उनकी एग्जिस्टेंस, उनका महत्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जो लिटरेट पर्सन है, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होती थी और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होती थी. इसलिए लिटरेट और इलिटरेट पर्सन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. इसलिए रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर रहते हैं लोग, और अर्बन एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होती है. इसलिए अर्बन और रूरल एरियाज़ में डिफरेंसेस ऑब्वियसली होता है. राइट टू इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के पास राइट टू इक्वालिटी है, मतलब सबके सब लोग
सेम है, कोई इक्वल, सबके सब इक्वल है। और अनटचेबिलिटी मतलब अछूत जीरी, कि हम लोग उसको नहीं छू सकते, हमारी कास्ट ऊंची है, वो सब चीज़ें हटा दी गई है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि सभी लोग एक जैसे हैं, सबके पास एक ही टाइप का जस्टिस है, सबके पास एक टाइप का अपॉर्चुनिटी और स्टेटस है। और RTE ने ये कंफर्म किया है कि सबके सब सारे के सारे बच्चों के पास वो राइट है कि वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे विलेज में, रोड्स में, प्राइमरी और हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर और एक्सेट्रा में। तो फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी उससे डेवलप होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इंडिया में मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने लैंग्वेज कहीं कहीं पे बोलते हैं और सबके सब एक दूसरे के फेस्टिवल्स इन्जॉय करते हैं। हमारे इंडिपेंडेंस को बहुत टाइम हो चुका है पर तब भी हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से एक साथ लोग साथ में रह रहे हैं। वो आप ग्राम पंचायत देख लो कि पार्लियामेंट तक सबके सब साथ में रहते हैं। हॉस्टल्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं पर तब भी एक साथ मिलजुल के वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। Now we will talk about discrimination between girls and boys. Not only in India, India में ही नहीं but पूरे world में women का जो importance है पूरे national development में बहुत सबसे ज़्यादा है। तो कभी कभी ऐसे बताया जाता है कि girls और boys में भेदभाव किया जाता है, differences होते हैं। But today, majority of women remain engaged in cooking, household chores and upbringing children. अभी भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा और women's लोग वो घर के कामों में ही रहते हैं और बच्चों को ग्रो अप करने में ही उनका काम होता है। बट वुमेन्स वुड हैव इम्पोर्टेंस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स, पर तब भी आधा से ज़्यादा वुमेन काम करती है बट वुमेन्स के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है फैमिली के रिलेटेड, वो कौन करता है, वो मेन्स ही करते हैं। पर और अब देखो कहीं कहीं पे तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, उनको खेलकूद करने भी नहीं दिया जाता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लड़कियों के रिलेटेड। और कहीं कहीं पे लड़कियों को इक्वालिटी भी नहीं दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते और लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस देते, और ये एकदम गलत चीज़ है। हमारे इंडिया में ऐसा है कि लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों सेम हैं, दोनों के दोनों के पास सेम पावर है और दोनों को जो करना है वो कर सकते हैं। उनको पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनको कोई दूसरे एक्टिविटी में करियर करना है कर सकते हैं। बर्थ ऑफ बॉय इज़ गिवन प्रेफरेंस, मतलब जहाँ पे लड़की पैदा होगी उसमें वो इतने खुश नहीं होंगे, कहीं कोई 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 फैमिलीज़ में, सारे फैमिलीज़ में ऐसा नहीं है बट बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसकी वजह से जो वुमेन्स की जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि लड़के 100 है तो उसके हिसाब से लड़कियाँ सिर्फ 92 होंगी, तो 8 का रैंकिंग कम है ना, तो इसकी वजह से लड़कियों की इम्पोर्टेंस अब जाके ज़्यादा होने लगी है बिकॉज लड़कियों की बर्थ रेट कम है, दैट्स वाई। तो इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली अब लड़कियों का बढ़ने लगा है स्टूडेंट्स। तो अब जैसे देखें तो जिस तरह से डेज बढ़ते जा रहे हैं और जैसे देखें तो और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं मॉडर्न एज में और बढ़ते जा रहे हैं, वैसे देखें तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि और लड़कियों की इम्पोर्टेंस बढ़ेंगी स्टूडेंट्स, और लड़कियाँ कहीं भी कभी भी किसी से भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, राइट गर्ल्स। बट या ऐसा भी है, बॉयज़ भी कम नहीं है, बॉयज़ आर ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट, बट कभी भी अभी भी ऐसे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसमें बॉयज़ को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। बट डोंट वरी गर्ल्स, यू विल ऑल्सो गॉट फॉर एवरीथिंग वॉट यू वॉन्ट स्टूडेंट्स। सो दिस वर अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय स्टूडेंट्स। नाउअडेज़ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो गर्ल्स को प्रेफर करते हैं, उनको जो करना है वो करने देते, एंड दैट इज़ द मेन पावर एंड परफेक्शनिस्ट पावर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा ये चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो स्टूडेंट्स अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, यूनिटी के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। सो योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 1 or 2 टाइम्स, सो देन यू विल बी क्लियर इन योर माइंड स्टूडेंट्स। ओके, सो टिल देयर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो बाय बाय।